हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ एन सी आर डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, देन द एक्सप्रेशन एन सी आर प्लस वन एन सी आर माइनस वन प्लस एन टू टाइम्स ऑफ एन सी आर इक्वल्स, एंड ऑप्शन आपके इस प्रकार से दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एन सी आर की तो पूरी डेफिनेशन ही लिख दी भाई। ये देखो आप, एन सी आर की पूरी डेफिनेशन यही है। इफ ये एन सी आर डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, देन द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो देखिए जी, आपको पास कर लो, पता होगा कॉम्बिनेशन का, पास कर लो। सबसे पहले तो मैं इसी को लिखना चाहूँगा, पास कर लो। ऑफ कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होता है हमारे पास, कि अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इस प्रकार की कंडीशन है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इस प्रकार कंडीशन मिल जाती है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी देता है, ये एन प्लस वन सी आर, ये होती है इन दोनों के सम की वैल्यू। पास कर लो से हम ये जानते हैं कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन होता है, वो होता है एन प्लस वन सी आर होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, हमारा जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ लिखते हैं दोबारा। तो इसको हम लिख देंगे एन सी आर प्लस वन, प्लस ये हो जाएगा एन सी आर माइनस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एन सी आर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एन सी आर प्लस एन सी आर, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया मैंने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन सी आर प्लस वन प्लस इसके साथ एक एन सी आर दे दिया, प्लस दूसरा वाला लिखा मैंने एन सी आर माइनस वन और इसके साथ दूसरा एन सी आर दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये पास कर लो की कंडीशन देखते हैं कि अप्लाई होती नहीं होती। तो पास कर लो की कंडीशन देखते हैं, इस एक्सप्रेशन में अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। ये हमारा एक्सप्रेशन है, पास कर लो, ये है हमारा। तो पास कर लो के हिसाब से एन और एन तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एन और एन दोनों में सेम है जी। फिर जो आर और आर माइनस वन, एक अगर आर है, यानी कि एक अगर जैसे यहाँ पे चार होता आर की वैल्यू, तो दूसरी क्या होनी चाहिए, चार में से एक एक कम होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक हमारे पास आर प्लस वन है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बचेगा। तो बिल्कुल इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, पास कर लो अप्लाई लगा कर सकते हैं। तो पास कर लो होगा, अप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा ऊपर जो सबस्क्रिप्ट है, और सी और आर, आर क्या है, आर क्या है जी, आर प्लस वन है आर, क्योंकि आर प्लस वन, आर क्या होता है, आर है एक तो एन सी आर होता है, एक होता है आर माइनस वन। तो आर माइनस वन तो यहाँ पे क्या है, आर है, जबकि आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस वन है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम इसको जब पास कर लो लगाया, तो एन प्लस वन सी आर होता है, तो आर की वैल्यू आर प्लस वन है, तो आर प्लस वन हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए एन सी आर माइनस वन प्लस आर, तो यहाँ पे तो यही एक्सप्रेशन है, देख लीजिए, ये सिर्फ आगे पीछे हो रखा है, एन सी आर आर और दूसरे टर्म आर माइनस वन है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम पास कर लो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन सी आर। अब इन दोनों में देखिए, फिर से इन दोनों में देखिए, एन प्लस वन यानी ऊपर जो है वो एन ऑब्जेक्ट सेम है, एन प्लस वन। नीचे आर में कंडीशन देखते हैं, आर में कंडीशन क्या है, एक आर प्लस वन है, उसमें से एक माइनस करूंगा तो आर बचेगा। तो बिल्कुल ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि मैं यहाँ पे पास कर लो लगा सकता हूँ। तो पास कर लो लगाने पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा एन प्लस वन सी आर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर प्लस वन, आर की वैल्यू क्या है, आर प्लस वन, जबकि आर माइनस वन क्या है यहाँ पे, आर प्लस वन में से वन माइनस करेंगे तो आर बचेगा। तो ये आर की वैल्यू आर प्लस वन है। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया आपने, तो एन प्लस टू सी आर प्लस वन, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप लोग यहाँ पे देख सकते थे हमारा जो गिवन क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसमें एन प्लस टू सी आर प्लस वन। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।